गुस्सा, क्या आप गुस्सा हो? अगर आप जरा सा भी गुस्सा नहीं हो तो होना चाहिए, बात ही कुछ ऐसी है। जब भी कोई इस तरह के का टेररिस्ट अटैक होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो गुस्सा जरूर आता है और आना चाहिए, स्वाभाविक है। आज आधी दुनिया गुस्सा है, आधे लोग डरे हुए हैं और सोच रहे हैं क्या करें। लेकिन आप 2 मिनट के लिए अपना गुस्से के साथ 1 मिनट के लिए मेरी बात समझिए कि वो क्या चाहते हैं जिन्होंने ये किया। आज चाहे बात इंडिया पाकिस्तान की हो, चाहे पुलवामा में अटैक की हो, चाहे किसी भी टेररिस्ट अटैक की हो, वो चंद लोग, वो कुछ लोग जो चाहते हैं आपके देश में कुछ जगहों पे बम विस्फोट करके कुछ लोगों को मार के क्या हासिल हो जाएगा उनको? क्या कश्मीर उनको मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा उनको? नहीं मिलेगा। लेकिन उनको क्या हासिल होगा? वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि हम डरे, वो चाहते ही है कि हम गुस्सा हो। क्यों चाहते हैं ऐसा? वो क्यों चाहते हैं वो लोग कि इंडिया पाकिस्तान में लोग लड़े और गुस्सा हो और डरे? क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो, जब आप डरते हो, तो आपके दिमाग में एक अमिगडाला नाम का जगह है जो स्टिमुलेट, जो एक्साइट हो जाता है। अमिगडाला आपका फियर और एंगर सेंटर है। ये क्या करता है? जब अमिगडाला बड़ा होता जाता है गुस्से से, एक्साइटमेंट से, तो आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को दबा देता है। नंबर एक, आपके हिप्पोकैम्पस को दबा देता है, जो कि आपके लर्निंग और मेमोरी वाला सेंटर है। यानी आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आपको याद रहना कम होगा। और दूसरा, सबसे बड़ी चीज, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके बिहेव करने की शक्ति, आप कैसा बर्ताव करेंगे, वो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। आपके कोऑर्डिनेशन, आपको कंसंट्रेशन, आपका जजमेंट, कौन सी चीज सही है क्या गलत है, और यहां तक कि आपका सोशल बिहेवियर, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। और ये एमिगडाला, जब गुस्से वाला सेंटर, डर वाला सेंटर बड़ा होता है, तो ये छोटा होता जाता है। तो क्या होगा इससे? इससे इसीलिए जब गुस्से में लिया गया डिसीजन होता है वो सही नहीं होता। इसीलिए ये लोग चाहते हैं, सब, हर एक टेररिस्ट ग्रुप, सिर्फ ये नहीं, आज तक जितने अटैक हुए, जितने होते हैं, इनका उद्देश्य यही होती है कि दहशत फैलाएं, लोग गुस्सा हो, एक दूसरे का नुकसान करें, एक दूसरे से लड़ें, हिंदू मुसलमान से लड़ें, हम ट्रेन रोकें, हम गवर्नमेंट पे चिल्लाएं, हम दूसरी पार्टियां एक दूसरे पे लड़ें, और इसी में वो मस्त रहें, वहां वो दूसरे अपने काम करें, और हम या तो डर में जिए या गुस्से में जिए। और डर और गुस्से में अमिगडाला बड़ा होता जाए और हमारे सोचने समझने का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो छोटा होता जाए, और उस बीच वो अपना काम करते जाएं। ये उद्देश्य है उनका। तो गुस्सा आता जरूर है, बिल्कुल आना चाहिए, स्वाभाविक है। ये नहीं कह रहा मैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत फील करो, क्योंकि गुस्सा फील होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई आपका सामान ले जाए, कोई आपसे चोरी कर जाए, कोई आपकी गाड़ी ठोक दे, गुस्सा जरूर आएगा। लेकिन गुस्सा कंट्रोल, गुस्से एक फीलिंग है, वो फीलिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप एक्ट कैसे करते हो उस पे आपका कंट्रोल है। कैसे? मान लीजिए कि आपके सर पे कोई बंदूक ताने खड़ा है, आपसे कहे कि जो कुछ है मुझे दे दो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। मान लो आपको गुस्सा तो फील होगा, लेकिन आप दिखाओगे उसको? नहीं दिखाओगे। क्या आप उसे गालियां दोगे? नहीं दोगे। आप डरोगे? बिल्कुल डरोगे। आप चाहोगे कि वो गोली ना चला दे, वो आपको मार ना दे, इसलिए आप बल्कि उससे बड़े प्यार से बात करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब क्या? कि सिचुएशन के मुताबिक आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने गुस्से को, अपने स्वभाव को, क्योंकि आपको पता है उससे आप ही का नुकसान होगा। उस समय अगर आपके साथ आपके बीवी बच्चे हो और आपके ऊपर कोई हमला कर दे, कोई डकैत हो, कोई चोर चक्कों की टोली हो, तो आपका उद्देश्य गुस्सा करना नहीं होगा, आपका उद्देश्य होगा बीवी बच्चे अपने परिवार को बचाना।
एक दूसरे पर लड़ना नहीं होगा। सेम चीज आज है, आज हमारा उद्देश्य एक दूसरे से लड़ना नहीं, एक दूसरे को बचाना है। सो गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन सोच के हमें आगे बढ़ना है। वहां पर जिनको जो करना है वो करेंगे, हमारे कुछ करने से वहां फर्क सिर्फ एक पड़ सकता है, वहां मदद भेजिए, वहां मदद भेजिए, वहां से मदद हटाना नहीं है, वहां से मदद भेजनी है। सो आज के डेट में बस यही बताना था आपको कि आपको अपने आप के लिए, अपने खुद के दिमाग के लिए, अपने खुद की मेमोरी, अपने खुद के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए सिचुएशन को एनालाइज करिए। दो मिनट के लिए इस उद्देश्य को, उनके उद्देश्य को सोचिए और फिर एक्ट करिए। इससे कुछ नहीं होगा। जितने भी मैसेजेस आज के डेट में व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं, कई जगह उत्तेजना बढ़ाने वाली बातें हो रही है, गुस्से वाली बातें बढ़ाने, दहशतगर्दी बढ़ाने वाली बातें, एक दूसरे को मारने वाली बातें हो रही है, कश्मीरियों को मारने वाली बातें हो रही है, मुसलमानों को मारने वाली बातें हो रही है। ये गलत है। ये आपको समझना है कि इससे टेरर खत्म नहीं होगा। अगर होता तो कर लो। अगर टेररिज्म इससे खत्म होना है, बम विस्फोट होने खत्म हो जाएंगे तो कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, उल्टा नफरत बढ़ेगी, नुकसान होगा। और जब नफरत बढ़ती है, आपका हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम काम करेगा, तो इंडिया में प्रगति कैसे होगी? जब इंडिया में आपका देश प्रगति नहीं करेगा, तो यही तो वो चाहते हैं कि आप प्रगति ना करो, आप आगे ना बढ़ो, आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन आपके अंदर खुद का दिमाग है। इसलिए जो फील हो रहा है वो सही है, वो जरूरी है, लेकिन क्या एक्ट कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, उसको दो बार फिर सोचो। बस इतना कहना। और कर सकते हो तो वहां के लिए डोनेट करो बस, और दुआ करो और अमन फैलाओ। आज दहशत फैलाना बहुत आसान है, अमन फैलाना मुश्किल। जय हिंद।